आज कादर भाई आ रहे हैं घर पे। लेट आओ तो सब मिलता है। तो आप ये बताएं कि आपको ये बर्थडे गिफ्ट कैसा लगा? हेलो सुहान, ठीक है मामू, अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग, वेलकम टू फैज़म की दुनिया। आज है बासी, पता नहीं इसको बासी क्यों बोला जाता है, शायद वो बेचारी एक दिन पुरानी हो जाती है इसलिए बासी बोला जाता है। और आज ये कल वाले कपड़े इसने दोबारा पहन लिए। आज मुस्कान के घर से गेस्ट आ रहे हैं, तो मुस्कान के घर से आ रहे हैं गेस्ट और अभी टाइम हो रहा है 2:30 और मुझे पैकिंग भी करनी है एक्चुअली। और क्या नाम है, मेरा एक टूर है, टूर के शादी है, शादी में जा मेरा। चलो अब सामान नाश्ता वास्ता लेने के लिए मैं निकल। मुस्कान मुस्कान वो थैला दे दियो, वो मत दियो जो गंदा है उधर, मुझे दूसरा वाला चाहिए, वो धुलेगा, उसमें थोड़ी चीर गिर गई थी। तो आज कादर भाई आ रहे हैं घर पे, ईद मिलने के लिए आ रहे हैं। अच्छा है, रिश्ते बने रहने चाहिए, मोहब्बत दिखती है इस चीज़ से। हाँ, इतना बड़ा इतना सारा नाम हो क्या, ठीक है। तो अभी क्या नाम है, टाइम 2:30 बज रहे हैं जैसे कि मैंने बताया आपको। इसके अलावा आप सामान वामान ला रहे हैं, भाभी अपने घर गई हुई हैं और जैसे कि मैंने बताया कि गुड़िया के भाई यानी कि मेरे छोटे साले साहब की शादी है 28 तारीख की, इसी 28 की है, तो 25 तारीख की फ्लाइट है। तो अभी देखते हैं, खैर उसके हिसाब से, क्योंकि मैंने बताया था रूबी का ऑपरेशन हो रखा है, हॉस्पिटलाइज है और उसका डिस्चार्ज का कोई अभी सीन पता नहीं है कि वो कब तक डिस्चार्ज होगी, क्योंकि आज संडे है, डॉक्टर आया नहीं है। ओ भाई, अगर ये कह दिया रूबी नहीं जाएगी, मन नहीं लगेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मैंने चलो कल जाके जैसे भी लेके आएंगे उसको। और दूसरी मेरी जी डॉक्टर ये कह रहे हैं कि अपने रिस्क ले जाओ, हम रिस्क नहीं लेंगे। तो चलो कल जाके बात करते हैं, देखते हैं डॉक्टर की बात ज़्यादा सही होती है, हमारी बात कितनी गलत होती है, हम कहाँ गलत हैं, क्योंकि 3 दिन बोल के एडमिट किया था, 8 दिन हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके इलाज में क्या कमी है जो उन्होंने 3 दिन बोले थे, 8 दिन हो गए हैं, तो हम लेट ही कर रहे हैं ना, मतलब कि चलो देखते हैं। बाकी अभी कुछ सामान वामान लेके और फिर आपसे मिलते हैं। और आज फिर मुस्कान बेचारी किचन में बिजी है। कुछ कहना चाहोगे आप? नहीं, क्या बोलूं मैं, हर बार की तरह बस हर बार की तरह बेचारी अकेली लगी रहती है, मतलब मेहमान जब तक नीचे नहीं आ जाते ये लगी रहती है, उनके सामने तैयार होती है ना। तो क्या बना रही है ये? कल दूध फटेगा, कल शाम में बा, कल हाँ कल शाम का रखा हुआ है, रात का सॉरी, आज बनी बिरयानी और फ्राई, ये चिकन और मैं नाश्ता लेने जा रहा हूँ, ठीक है। और दोपहर हो रही है, गर्मियों में तो ऐसे ही मौसम हो जाएगा, सब ऐसे लगेगा जैसे बंद सा। घर वालों ने कुछ और काम भी बता दिया, तो वो लेने के लिए मैं दोबारा निकल पड़ा हूँ, थैला भी लाया हूँ, ज़्यादा सामान है, थोड़ा बहुत सामान। ये थोड़ा सामान लेने के बाद अब आए मेहंदी लेने के लिए, मोनी स्टार। बहुत भीड़ है। अंकल तो सोए हैं, लेट आओ तो सब मिलता है, जल्दी आने का तो नुकसान ही बहुत है, लेना पड़ा है, अच्छी नहीं है। हाँ ये हरी मिर्च अच्छी है भैया, हरी मिर्च क्या भाव है भाई साहब? हरी मिर्च 10 की पाव, बहुत सस्ती है, दे दो एक पाव। ले रहे भाई, यही है अभी, कहीं ना जा रहे, मैं तो अपना सामान ही भूल गया वापस लेने, ये अंकल सही नहीं लगता,
आवाज भी नहीं मार सकता था। मैंने तो भाई दो तीन तरह के गुलाब की बैटरी 10% है, कृपया साउंड बॉक्स को चार्ज करें। सब बता देता है ये भाई। इतने काले गुलाब जामुन बनाए जाते हैं, कलर डाला जाता है क्या? ब्लैक। अच्छा, ज़्यादा सेकने के बाद ब्लैक हो जाते हैं, इनका स्वाद नहीं बदलता। चलो कोई नहीं, आप मुझे थोड़ा सामान दे दो। और सब सामान पीछे वाली शॉप पर रखने के बाद मैं जा रहा हूँ एक मिठाई की दुकान पे, जो कि बहुत अच्छी मिठाई बनाता है। जिससे लास्ट टाइम शाहरुख लेके आया था तो बताया वहाँ जाना, नरगिस मस्जिद के पास में, तो वहीं जा रहा हूँ कुछ मीठा लेने के। नरगिस मस्जिद के अपोजिट ये एक शॉप है, इनकी मिठाई मेरे को बहुत अच्छी लगी। इनके कढ़ाई शायद ही बंद होती होगी दिन में भी और रात में भी, ज़्यादा रात में बंद हो जाती है। बाकी लस्सी भी देते हो ना, कैसे ग्लास देते हो आप लस्सी? 30 50 वाली भी अच्छी क्वालिटी। मीठा लेने के बाद अंकल ने एक कॉम्प्लीमेंट मेरे को लस्सी दे दी थी थोड़ी सी, कि चख के जाना ताकि मैं दोबारा आऊँ। लस्सी वाकई बहुत अच्छी थी, ये बहुत ठंडी थी, अगर थोड़ी नॉर्मल टेम्परेचर पर होकर पी जाती तो स्वाद ज़्यादा अच्छा आता। तो आप ये बताएं कि आपको ये बर्थडे गिफ्ट कैसा लगा? अच्छा, बट थोड़ा सा टाइट है, थोड़ा सा लेकिन प्यारा लग रहा है। चोरी आपको मैच मिल गई इसमें? हाँ, थोड़ा सा टाइट लग रहा है। आज तैयार हो रहे हो, क्या बात है। कल भी हुई थी मैं। तो ये ठीक, आज क्या है? आज मन किया मेरा। मैंने सब बता दिया इन सबको कि मेहमान आ रहे हैं हमारे घर पे। ठीक है, तो आज आ रहे हैं मुस्कान के घर से। हाँ। भाभी तो को लेने गया है। तो पहले कल जो कुर्ते में उसी कुर्ते में घूम रहे हैं। तो मैंने थोड़ा चेंज कर लिया, ये थोड़ा कॉटन का था इसलिए मैंने डाला। अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, मुझे कलर वलर सब अच्छा लग रहा है। चलो फट से तैयार हो जाओ आप। हाँ, हल्का सा मेकअप कर लेती हूँ बस, ज़्यादा नहीं। ओके। हेलो सुहान। अरहान। अरहान सॉरी। क्या सुहान ने अरहान। तो बड़ा भाई कहाँ है फिर आपका? वो नहीं आते कहीं भी। वो कहीं भी नहीं आते? हाँ। कहाँ है अभी वो? काम के साथ आते हैं। अच्छा, किसके साथ आते हैं? काकू के साथ। अच्छा, वो क्या क्या तैयारी होगी उसका? ला वो मैरिनेट करा, फ्राई करेंगे। किसके अंदर चॉकलेट है? अच्छा, अच्छा काजू को चॉकलेट क्या है? हाँ, काजू मिक्सचर पियो पियो, खाओ खाओ। हाँ, ये कौन है? ये मुस्कान है। शादी करना है? किसके साथ? किसके साथ? अकेला है। शादी कैसे होगी फिर? मुस्कान सारी एक जुट रह गई, शादी कर लेना। नहीं, वो तो छोटा बच्चा है ना, वही तो इसको पता है कि हाँ वो शादी होने वाली है, तो उसको पता शादी कैसे होती है। फोटो खींचनी है आपसे। पापा फोटो खींचना, वीडियो बनाना बहुत अच्छा है। और ये दही बल्ले की तैयारी कर रहे हैं। ये तो हटाओ, पिंक कलर का दही दही दिख रहा है मुझे। क्या ये? हाँ, ये बिरयानी। बिरयानी जाएगी रास्ते में क्या? नहीं। ओ, आपको क्या पसंद है इसमें से? ये आम और ये क्या करे भाई साहब? थोड़ी सी वो पानी डाल देना, ठीक है? वही कह रही बहुत गाढ़ा है, थोड़ा डाल दो। वीडियो कैसे बनती है? ऐसे ही। ऐसे कैसे? ऐसे तुम्हारा ही देख रहा हूँ। फिर आप कुछ बोलो, कौन आया है आज? सुहान कहाँ है?
सौरभ को हम बहुत मिस कर रहे हैं ना। हाँ। अब जाके बोलना ठीक है घर पे। हाँ। भगोना पतीला कढ़ाई वही सब लेके बैठ गए हो। सिर्फ एक काम कभी नहीं अल्लाह तो मुस्कान तो ईद वाले दिन दही वाले से बनाती है, जैसे कि हम मतलब बाट बाट के आने वाले हैं और हमें घर के नहीं खाते। साकिब के लिए बना देना। ईद चलती है 3 दिन तक है फैजल, ईद चलती है 3 दिन तक। तो ईद वाले दिन यार मैं बोली जा रही सुन, वो सुनो सही, तुमने ईद वाले दिन मुस्कान ईद वाले दिन के लिए बनाया था। ईद वाले दिन मेहमान ईदी, आज ईदी हो रही है हमारी, मेहमान आज शुरू हुए आने हैं। मैंने कहा ईदी आज, ईद तो आज मन रही है हमारी। हाँ, कोई आता है ना अच्छा लगता है। हाँ। चलो तो ईद वाले दिन सब बिजी होते हैं, उस दिन टाइम मिलता नहीं किसी को। बिल्कुल ठीक है, खोल के बैठे चाट मसाला। दही वाले बेकार लगते हैं आपको? क्यों? दुखी राम के समोसे अच्छे लगते हैं? पैदल पास है, पैदल पास है। मोमोस ना समोसे बे। ये तो दे ए मिली। अरे तो बोल कुछ कह रहा है। अरे कैसी कहाँ रख दिया अपने? उधर ही तो रख के आया हूँ। मिल गई तो बोलती कैसे नहीं हो, आवाज भी तो किचन में रह जाती है। रेडी है पता बल्ले? थोड़ा सा वो डालो, जीरा और डालो यार। किसमें से पानी निकल रहा है? कहाँ जा रही हो? तू चलाना नहीं आ रहा है, तुम स्कूटी सीखते रहोगे, तुम यही मत सीखना ठीक है। ठीक है मामू, अस्सलाम वालेकुम।